प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का एक दिवसीय दौरा करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री 30 से अधिक परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री IRCTC की महाकाल एक्सप्रेस को भी रवाना करेंगे। वाराणसी से उज्जैन होते हुए इंदौर को जाने वाली महाकाल एक्सप्रेस का कल वाराणसी के जंघई रूट पर ट्रायल हुआ। इस ट्रेन की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटे रही। सुरक्षा की दृष्टि से हर कोच में 6 CCTV कैमरे लगे हुए हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु वाराणसी आते हैं, लेकिन अब इन श्रद्धालुओं के लिए वाराणसी से काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन चलने वाली है, जो कि 3 ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और काशी विश्वनाथ के दर्शन कराएगी। वाराणसी के डीजल रेल इंजन कारखाने के यूरोपियन स्टैंडर्ड की महत्वपूर्ण संस्था UNIFE से इंटरनेशनल रेलवे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इस प्रमाण पत्र के लिए 10 मानकों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी होती है, जिसे डीरेका ने रिकॉर्ड समय में पूरा सफलता के साथ प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के KGMU में माँ शारदालय मंदिर का लोकार्पण और दर्शन किया और भूजल के गिरते स्तर पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से गंगा का पानी अब सिर्फ आचमन ही नहीं बल्कि नहाने योग्य भी हो गया है। चीन में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। इस खतरनाक वायरस से मृतकों की संख्या 1500 पार कर चुकी है। 5090 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगभग 65,000 तक पहुंच गया है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। शुक्रवार को भारत और पुर्तगाल के बीच 14 समझौतों के साथ शिष्टमंडल स्तर की बात हुई। इन समझौतों में औद्योगिक और बौद्धिक संपदा से लेकर मोबिलिटी, साझेदारी और स्टार्टअप के सहयोग पर समझौता ज्ञापन शामिल है। जम्मू कश्मीर का दौरा करने गए विदेशी दल की नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ मुलाकात की। भारत में डेनमार्क के राजदूत ने कहा कि कश्मीर की यात्रा में लोगों से मुलाकात काफी अच्छी रही। निर्भया रेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मौत की सजा पाए दोषी विनय कुमार की याचिका खारिज कर दी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि जिनकी दया याचिका खारिज हो गई है उन्हें फांसी दी जाए। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का राजनीति के अपराधीकरण को लेकर दिया गया निर्णय उचित कदम है। अगर कोई व्यक्ति अपने सार्वजनिक जीवन में काम करता है तो उसको अपने आचरण को जनता के सामने पारदर्शी तरीके से रखना चाहिए। CBSE की 10वीं और 12वीं परीक्षा आज से शुरू हो गई, जिसमें 30 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शामिल होंगे। कक्षा 10 की परीक्षा 15 फरवरी 2020 से 20 मार्च तक और 12 की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होकर 30 मार्च तक चलेगी। पिछले 3 वर्षों से चल रहे लखीमपुर मैलानी रेलखंड के आमान परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत परिवर्तन का कार्य पूरा हो जाने पर लखीमपुर खीरी जनपद के मैलवी रेलवे जंक्शन पर आयोजित समारोह में आमान परिवर्तित खंड का उद्घाटन खीरी सांसद अजय मिश्र टेनी ने किया। अयोध्या में जमीन एवं मकानों की खरीद और बिक्री के लिए जनपद में ई स्टैम्प सुविधा की शुरुआत की गई है। बुधवार को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गोरेलाल शुक्ल ने उप महानिरीक्षक निबंध कार्यालय में ई स्टैम्प सुविधा का शुभारंभ किया। वाराणसी के जंगमबाड़ी मठ में 40 दिवसीय वीर शैव महाकुंभ उत्सव का पर आज एक शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। जंगमबाड़ी मठ से निकाली गई गुदौलिया नई सड़क चेतगंज होते हुए पुनः जंगमबाड़ी मठ पर जाकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। और 22वें अंतर्वाहिनी PSC मध्य जोन फुटबॉल प्रतियोगिता का आज लखनऊ में शुभारंभ हो गया है। लखनऊ की 35वीं बटालियन PSC ग्राउंड पर शुरू हुई ये प्रतियोगिता 18 फरवरी तक चलेगी, जिसमें 9 बटालियन की टीमें हिस्सा ले रही हैं।